उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पेड़ के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों पक्षों के 6-6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें 3 की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ओंचा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहकमपुर का है, जहां पर एक बबूल का पेड़ एक व्यक्ति के आंगन में गिर गया था, जिसके चलते उस पेड़ के स्वामित्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कुल 12 लोग घायल हुए। और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको सैफई रेफर कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बबूल के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के 6-6 लोग समेत कुल 12 लोग घायल हुए हैं। अभी किसी की कोई भी तहरीर पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। मोहकमपुर गाँव पड़ता है थाना ओछा में, वहाँ पर एक बबूल का पेड़ आंधी में गिर गया था। उसके स्वामित्व के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी अंदर चल गए, जिसमें दोनों पक्ष के 6-6 लोग यहाँ पर घायल होकर आए हैं अस्पताल में। तो इलाज यहाँ चल रहा है 9 लोगों का, और 3 लोगों को PGI रेफर कर दिया गया है सफाई के लिए, और बाकी शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब FIR के लिए तहरी मिली नहीं है, जैसे तहरी प्राप्त हो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.